नमस्कार। जय माता दी। आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपको धन त्रयोदश की, काली चौदश की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान माता रानी आप सब पे बहुत बहुत कृपा करें, आपको आगे बढ़ाएं, आप खुश रहें, आपकी प्रोग्रेस हो आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नाभि चक्रा पे बात कर रहे थे, आज हम अनाहत चक्रा, हृदय चक्रा, जो तीसरा चक्र है, उसके बारे में बात करेंगे। वास्तव में एक चक्र को भी समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। वक्त के हिसाब से जितना ज्यादा से ज्यादा बताया जा सकता है बताने की कोशिश करता हूं, फिर कभी डिटेल में ऐसी ऐसी यात्रा करेंगे। हृदय चक्र वास्तव में तीन चक्र नीचे हैं, तीन चक्र ऊपर हैं और मध्य में हृदय चक्र स्थित है। और चक्र स्थित कैसे होते हैं, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें, स्पाइनल कार्ड को देखें, जहां पे उसका सेंटर पॉइंट आता है वहीं से चक्र शुरू होते हैं। इसी तरह जो हृदय चक्र है वो हमारी चेस्ट के बिल्कुल बीच में आएगा, ऐसे नाभि चक्र बीच में आएगा, उसके ऊपर कंठ चक्र बीच में आएगा, आज्ञा चक्र बीच में आएगा, सहस्रनाल चक्र बीच में आएगा। चक्र सामने भी है, पीछे भी है। जब आपका हृदय चक्र जागृत हो जाता है तो आप नेचर के, प्रकृति के बहुत करीब हो जाते हैं। आप प्रेम से मालामाल हो जाते हैं, आपको सबके ऊपर प्रेम आने लगता है। आप किसी को डाउन नहीं करना चाहते। जो आपके अधीन आते हैं आप उनको और ऊपर उठाना चाहते हो। जैसे हृदय चक्र जागृत होता है तो हमारा आज्ञा चक्र पे प्रकाश होने लगता है। जैसे कहूं कि अनाहत चक्र, हृदय चक्र आपके और भगवान के बीच एक ब्रिज है, हृदय चक्र आपके और उस यूनिवर्स ब्रह्मांड के बीच एक चक्र है, हृदय चक्र आपके पूर्ण सुखों का और दुखों का केंद्र भी है। आप हृदय चक्र से ऊपर की ओर प्राण को ले जाते हो, ऊपर की ओर ध्यान को ले जाते हो, तो आप राम तक, भगवान तक, ईश्वर तक, इष्ट देव तक पहुंच सकते हो। अगर हृदय चक्र आपका जागृत हो गया छोटी प्राइमरी अवस्था में, आपके पास अट्रैक्शन शक्ति बढ़ने लगती है,
आपके साथ प्रेम की शक्ति बढ़ने लगती है। लोगों में जाते हो पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और कहीं ना कहीं आप बहुत मोह के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। और कभी कभी वो प्रेम का चक्कर आपके डाउनफॉल का कारण बन जाता है, कभी कभी आप ऊपर उठ जाते हैं तो भगवान से प्रेम का कारण बन जाता है, आप आगे निकल जाते हैं। जो तीन चक्रा तक की साधना थी उसमें आप स्वयं बहुत कुछ कर सकते थे, और कभी कभी जब आप हृदय चक्रा पे पहुंचते हैं तो हम फिर डाउन होना शुरू हो जाते हैं, हम नीचे के चक्रा की ओर चले जाते हैं, यही हमारे पतन का कारण बनता है। हम प्रोग्रेस करके डाउन होते हैं, अध्यात्मकता के ऊपर जाके डाउन होते हैं, कहीं बुलंदी पे पहुंच करके डाउन होते हैं। मैं बहुत कुछ हृदय चक्र के बारे में अनुभवों को कहना चाहता हूं, शब्द नहीं मिल पा रहे, शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। ऐसा सोचिए इस चक्रा से आपकी फ्लाइट शुरू होती है, आपने कहाँ जाना है ये आप पर निर्भर करता है। वो फ्लाइट आपको कहीं बुरे काम में भी ले जा सकती है, आप वहां सक्सेस हो जाएंगे। गलत कार्य में भी ले जा सकती है, आप वहां सक्सेस हो जाएंगे। और यही फ्लाइट आपको उस भगवान तक भी ले जा सकती है, आप सक्सेस हो जाएंगे। जो नाभि चक्र के नीचे अमृत कुंड, अमृत कलश, उसकी जब बूंदें, उसके प्राण ऊपर की ओर जाते हैं, उससे हृदय चक्रा को शक्ति मिलती है। इसी हृदय चक्रा से आपके अंतर में जो कल्प वृक्ष है, जो कामधेनु गाय है, उस तक पहुंचा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चक्रा से आपके संकल्प सिद्ध होते हैं, इसी चक्रा से आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। इच्छा शक्ति बढ़ती है, आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए ज्ञान ढूंढते हो, नॉलेज ढूंढते हो, और फिर इस चक्रा में वो ज्ञान की शक्ति निवास करती है, मां सरस्वती की शक्ति निवास करती है कंठ चक्रा में। और आज्ञा चक्रा, कलेक्टिव माइंड, क्रिया शक्ति, आप उनको प्रैक्टिकल रूप में ले आते हो। ऐसा कहें जैसे लाइट का स्विच हृदय चक्रा है, और प्रकाश बल्ब जहां लगा हुआ है प्रकाश उससे होता है। ये सारे चक्राज का एक बैलेंस है अपने आप में, इसको बहुत ध्यान से लेना। इस चक्रा के ऊपर थोड़ा सा भी बैलेंस आपका खराब हो जाता है, आप फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं, कभी कभी वहां से भी नीचे पहुंच जाते हैं। इस चक्रा को शुद्ध करने के लिए, इसका बैलेंस बना रहे, उसके लिए गुरु कृपा का होना बहुत जरूरी है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस चक्रा के लिए अपने अपने गुरुदेव से जरूर परामर्श लें, उनसे जरूर गाइडेंस लें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और आप भटकना बंद करें, आपको अपने अंतर में सब कुछ मिल जाएगा।
ये आपके अंतर की यात्रा इतनी लंबी है कि कई जन्म भी लग जाते हैं, गुरु कृपा हो, सही मार्गदर्शन हो तो बहुत सुगम है, बहुत आसान है। आप सारे सुख भोग करके बहुत आगे निकल जाते हो। ऐसी स्थिति है दोस्तों, मैं कहता हूं कि जब आप आगे पहुंच जाते हो आपको सब सुख मिलने लगते हैं, जो चाहते हो सब चाहत पूरे होने लगती है। पर एक मजा और भी है, जब वहां पहुंचते हैं ना तो कोई चाहत ही नहीं रह जाती, लगता है तू ही तू है और कोई नहीं चाहिए मुझे। हृदय चक्र जब खुल जाता है तो आप प्यार के समुंदर बन जाते हैं, आप क्षमा के दाता बन जाते हैं, आप क्षमा मांगने वाले बन जाते हैं। आप नोट करना, कभी कोई व्यक्ति बहुत आर्गुमेंट करता था कुछ साल पहले, वो साधन हमें चला गया, उसकी आर्गुमेंट बंद हो गई, तो समझ लीजिए उसका हृदय चक्र जागृत हो रहा है। दूसरों के प्रति जेलसी की भावना, द्वेष की भावना चली गई तो समझ लें कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया। जो मिल रहा है आपको आपके गुरु से, माता से, पिता से, प्रकृति से, यूनिवर्स से, उसके लिए शुक्रिया 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 निकलने लगा तो समझ लें आपका हृदय चक्र जागृत हो गया। आप साक्षी भाव से इस सब को देखने लगे, समझ लें आपका हृदय चक्र जागृत हो गया। कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, भगवान परीक्षा भी लेगा, पर कैसे आप निकल गए आप सोच ही नहीं पाओगे। वो साक्षात रूप से प्रभु आ जाते हैं, परमात्मा आ जाते हैं, बेटा चल तू तकलीफ में है, मैं निकालता हूं तुम्हें, और कितने और जरिए बना करके भेज देता है। हम सोचते हैं हमारा बुद्धि काम कर रही है, हमारा दिमाग काम कर रहा है, दिमाग तो तुम्हारा पहले भी था ना, कहां चला गया था तब। जब उसकी कृपा होती है तो ही बात है। जब आप ईगो करते हो, अहंकार करते हो, तो एकदम सब कुछ टूट जाता है। ये सदा याद रखना कि उसकी कृपा से, उसकी मेहरबानी से, उसकी दया से, माँ की कृपा से, भगवान की कृपा से, खुदा की मेहरबानी से सब कुछ हो रहा है। जिस दिन आप कुछ से ना कुछ हो जाएंगे, सब कुछ आपका बनने लगेगा। पर आपकी ईगो, आपके अंदर की पॉलिटिक्स कभी कभी आपका ऐसा पतन करेगी कि आप उठ नहीं पाओगे। जैसे हृदय चक्र जागृत होता है आपको नेचर से बहुत प्यार होने लगता है, या ऐसे कहूं कि नेचर आपको बहुत प्यार करने लगती है, आपको पशु पक्षियों से बहुत प्यार होने लगता है। आप घंटों पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ, नेचर के साथ रह सकते हो, समझ रहे आपका हृदय चक्र जागृत हो गया। आपको पौधों की, पक्षियों की, पशुओं की जब चिंता होने लगती है, उनके अंदर भगवान का निवास दिखाई देने लगता है, आप समझ लें आपका हृदय चक्र जागृत हो गया। फिर इसको आगे जागृत करने की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ढंग हैं। जैसे प्लेन में 500 लोग बैठे हुए हैं, 700 लोग बैठे हुए हैं, पर उनका सफर, उनकी मंजिल सबकी अलग अलग है। वो जा रहे हैं इकट्ठे इकट्ठे सफर कर रहे हैं, कुछ देर का सफर इकट्ठा है आपका ग्रुप का, और जैसे जैसे आप मंजिल की ओर बढ़ने लगते हो, जहां जाना आपकी मंजिल अलग अलग हो जाती है, ढंग अलग अलग हो जाता है, जाते हैं अपने अपने घर हैं। इसी तरह से अध्यात्म की यात्रा आपका अपना अपना सबका अनुभव है, अपनी अपनी मंजिल है। हाँ, लास्ट खुदा का, परमात्मा का, माता रानी का घर है। जैसे आप सभी चक्रा का बैलेंस चाहते हैं, खास करके हृदय चक्रा का बैलेंस चाहते हैं, आप जैसे सांस लें,
सांस को रोकें सांस बाहर निकालें जैसे जैसे आप श्वास को लेते हो रोकते हो निकालते हो इससे एक गोलाकार चक्रा बन जाता है जो जो सांस निकलती है जो जैसे सोचें कि एक गोलाकार चक्रा बनने लगता है और जैसे जैसे आप सूक्ष्म में और महसूस करेंगे जहां पे सांस को बाहर फेंक रहे हो उसका जो मोड़ है जो अंदर ले रहे हो उसका जो मूल है उसको बारीकी से देखने की कोशिश करना। आप देखेंगे जैसे उसको बारीकी से देखने लगे उसको समझने लगे साक्षी भाव से आप अपने मन के विचारों को रोकने लगे। जैसे मन के विचारों को आपने रोका आप में मां की शक्ति इच्छा शक्ति और जागृत होने लगी और जागृत होने लगी आपकी प्यास और बढ़ने लगी और फिर जो आपका एक संकल्प है आप उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे उसके लिए सब साधन जुटने लगे। श्वास की ओर प्लीज ध्यान दें सांस को लें रोकें धीरे धीरे बाहर निकालें। साथ में महसूस करें कि जो प्राण है आपके तो हृदय चक्र को स्पर्श कर रहे हैं सांस को नाभि तक लेना है नाभि से नीचे ऊपर धीरे 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 बाहर निकालना है। सांस को लें रोकें बाहर निकालें। जैसे जैसे सांस बाहर निकालते हो ऐसे ऐसे सभी गंदगी हमसे बाहर निकल जाए हमारी ईगो हमारी जेलसी दूसरों को डाउन करना दूसरों का बुरा चाहना सब कुछ माता रानी बाहर निकाल देना माँ भगवती। अपने आप को बड़ा करना बहुत बड़ी बात है वो सोचना बहुत बड़ी बात है उसके लिए कितना भी बड़ा आप सोच सकते हो और भगवान आपको बढ़ाएंगे भी। जैसे जैसे आपका हृदय चक्र पे ध्यान जाएगा आप आज्ञा चक्र के साथ आपका लिंक होने लगेगा और कभी कभी सहस्रार चक्रा में भी होने लगता है कभी कभी कुछ महसूस होता है कभी कभी हमारी पास्ट लाइफ की भक्ति जागृत हो जाती है।
अभी आप अपने श्वास की ओर ध्यान दें, नॉर्मल रूप से सांस ले रहे हो, पर सांस को महसूस कर रहे हो। जैसे आप रूटीन में सांस लेते हैं, गहरी ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और हृदय चक्र की ओर ध्यान दें। हृदय चक्र आपका तभी ओपन होगा जब आप हृदय के समीप रहेंगे, अपने मन के समीप रहेंगे। कहीं भी आपने पहुंचना है, जहीं से होके गुजरना है, नीचे की ओर जाएंगे पतन की ओर जाएंगे तो भी यहीं से, ऊपर की ओर जाएंगे तो भी यहीं से। ऐसा कह सकते हो कि नीचे के जो तीन चक्र हैं हृदय से नीचे के, वो तीन पशु वृत्ति के भी हैं। हमने इंसान में रूप में जन्म ले लिया पर पशु वृत्ति हमसे गई नहीं। जैसे हम इस चक्र पे स्थिर होने लगते हैं तो हम देवता की श्रेणी में पहुंचने लगते हैं, इंसान से देवता होने लगते हैं, मनुष्य से देवता होने लगते हैं। जैसे आप देवता होने लगते हो, आप जो चाहते हो वो भी होने लगता है। किसी के लिए प्रार्थना करते हो, प्रार्थना स्वीकार होने लगती है। अपनी चिंता नहीं रहती, दूसरों की चिंता होने लगती है, सब सुखी रहें। पर एक बात कहूं, आप किसी के कर्म बंधन को चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको अपने कर्म बंधन को स्वयं काटना है। कभी कभी ध्यान में पास्ट लाइफ पे चले जाते हो, वहाँ आपको प्रसूति साधना बताई थी, उससे आपके पास्ट के कर्म कट जाते हैं। इस जन्म के जो गलतियाँ हुई हैं उसको भी काटना है। इसीलिए आपसे सदा प्रार्थना करता हूँ कि आप सोने से पहले सबसे क्षमा मांग के सोएं, हृदय से, क्योंकि फिर भी हृदय चक्र आएगा। किसी ने आपके साथ गलत किया तो जोड़ तोड़ अभी रात को ही खत्म कर देना, सोने से पहले उसको भी माफ कर देना। सुबह उठो तो फिर उस परमात्मा के साथ, भगवान के साथ नई जिंदगी। सोने जब सोओगे बेड पे तो भी हृदय चक्र पे ध्यान करते करते सोना, आज्ञा चक्र पे ध्यान आपका अपने आप चला जाएगा। अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। हसा काला हरी, 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 हसा काला हरी। हसा काला हरी, हसा काला हरी, हसा काला हरी, हसा काला हरी। मन में मंत्र का जाप करते रहें। हृदय चक्र की शक्ति अनलिमिटेड है। जैसे
पक्षियों का कोई देश नहीं है, ये वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं, इनको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपका मन की भी शक्ति अनलिमिटेड है, हृदय चक्र की शक्ति, मन जो है हृदय चक्र से रिलेटेड है। जब हृदय चक्र जागृत होता है आपके मन की शक्ति का आपको एहसास होने लगता है, और जैसे जैसे आप हृदय चक्र की साधना करते हैं आपका मन और एकाग्र होने लगता है और निर्विचार होने लगता है, मन अमन होने लगता है। अमन मीन शांति, अमन मन का ना रहना, बहुत मुश्किल है पर साधना करते करते जो हो जाता है, और जैसे ऐसा होता है आपकी संकल्प शक्ति आपकी इच्छा शक्ति प्रैक्टिकल रूप लेने लगती है। आपकी ऊर्जा शक्ति आपकी प्राण शक्ति ऊपर की ओर अग्रसर हो रही है, आपका परमात्मा के साथ एकाकार हो रहा है, आपका अपने इष्ट देव के साथ एकाकार हो रहा है। मन में मंत्र करते 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 अपने इष्ट के साथ एकाकार होने की कोशिश करें। मंत्र आपका मंजिल नहीं है, साधन है उस ऊपर तक पहुंचने का। जब ध्यान लगने लगता है तो मंत्र को दोस्तों जबरदस्ती नहीं करना। बहुत से लोगों के सवाल आए, हम ध्यान में जाने लगते हैं तो मंत्र कोई और शुरू हो जाता है, कभी कभी हम मंत्र भूल जाते हैं, तो आप वास्तव में ध्यान कर रहे हो। जिनके साथ ऐसा होता है अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहे, नो प्रॉब्लम, कोशिश करके कर रहे हो उधर ध्यान लग रहा है तो बात नहीं बनेगी। पहले मन की स्वच्छता, कर्म की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, उसके बाद फिर मंत्र जाप की साधना शुरू होती है। मंत्र जाप करते करते आप अपने इष्ट के साथ एक होने लगते हो, फिर उसके बाद कृपा शुरू होती है। और जब वो कृपा शुरू होती है तो आप अपने बाहरी गुरु से अलग हो जाते हो, आपका अंतर का गुरु जागृत हो जाता है। तभी कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मलाए। ये गुरु की कृपा जब उस तक पहुंच जाते हैं, जब आपके अंतर के गुरु जागृत हो जाते हैं, वो फिर जो आपकी मंजिल है धीरे 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 आपको उस तक ले जाते हैं। इतना आसान नहीं है, कभी कभी बहुत रुकावटें आती हैं, कभी कभी बहुत परीक्षाएं आती हैं, कभी कभी बहुत व्यवधान आते हैं, पर अगर आपका उसके प्रति विश्वास है
लगता है वही सब कुछ कर रहा है, आपके गुरु की आपके साथ कृपा है, आपके गुरु आपके साथ हैं, तो आप निकल जाओगे। हम फंसते क्यों हैं कि हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है। हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं पर हम सरेंडर नहीं हो पाते पूर्ण रूप से, समर्पित नहीं हो पाते पूर्ण रूप से। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस दिन आपको अपने इष्ट के साथ, अपने परमात्मा के साथ प्यार हो जाएगा, जिस दिन पूर्ण रूप से उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, उसी दिन आप परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि जहाँ पे मॉडर्न साइंस की समाप्ति होती है, आध्यात्मिकता वहाँ से शुरू होती है। आज हमने इसी बात को सिद्ध करने के लिए कितनी चीज़ें की, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो लगता है कि जो ओरा की बात, आबा मंडल की बात होती थी, आज उसके लिए कैमरे निकल आए। वो तो जो अपनी आंख बंद करके देख लेते हैं, कैमरा भी वही लाइट रंग बताता है, वो भी इतना सुंदर नहीं बताता जितना हम अपनी आंखों से देखते हैं। इसकी साइंस निकल आई, तिलक जहां क्यों लगाया जाता है, साधना क्यों की जाती है। आप देखें कि हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे वेदों ने, पुराणों ने, ग्रंथों में जो लिखा है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा, उन्होंने किसी से सुन सुना के नहीं लिखा। हम तो उसको अगर कुछ भी, उन्होंने तो समुंदर दिया हमें, पर हम उस समुंदर से चार चम्मच पानी के पी लें, चार नहीं एक चम्मच पानी का पी लें, तो हमारी जिंदगी सफल हो सकती है, हम कहीं पहुंच सकते हैं। पर ये गुरु कृपा है, हमारे गुरु ही बता सकते हैं किस किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। नाभि चक्रा से ऊपर जैसे हृदय चक्रा में पहुंचते हैं तो अब जहाँ गुरु की बहुत जरूरत होती है, आप अपने गुरु के चरणों में लगें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने मालिक का ध्यान करें, हृदय चक्र से आप परमात्मा को भी पा सकते हैं, रिद्धि सिद्धि भी पा सकते हैं, शक्तियां भी पा सकते हैं, दुनियावी रूप से पूर्ण सुखों को पा सकते हैं, बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, अच्छे हीलर बन सकते हैं, हीलिंग से बहुत लोगों का भला कर सकते हैं, पर भटक भी सकते हैं। इसके गुरु कृपा होना बहुत जरूरी है। अपने इष्ट का ध्यान करते करते पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं उनके चरणों में। आपको सदा आज्ञा चक्र पे ध्यान करवाता रहा।
क्योंकि ध्यान में प्रवेश के लिए बहुत जरूरी है। अभी बहुत ब्रीफली सभी चक्रा के बारे में आपको बताने की कोशिश की। नेक्स्ट संडे को हृदय चक्रा के बारे और बात करेंगे और किस मेथड से, किस ढंग से हम और इसको जागृत कर सकते हैं और कौन से कारण ऐसे हैं जिसमें हृदय चक्र दूषित हो जाता है। अगर आप अपने संकल्पों को पूर्ण करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, सुखों को एंजॉय करना चाहते हो, ईश्वर के चरणों में जाना चाहते हो, तो इस चक्र की इंपॉर्टेंस को समझें। रिलेशनशिप के लिए इस चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सुखों के लिए इस चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है। परिवार में रिश्तों के लिए इस चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है। ध्यान करते करते इष्ट के चरणों में चले गए। इष्ट की कृपा हो गई आप पर, आपके सब संकल्प गोल पूर्ण हो रहे हैं, पूर्ण हो गए, ऐसी भावना करें। न्यूर पंख मुद्रा करें, शुक्रिया करें माता रानी का, भगवान का, अपने इष्ट का, उन्होंने कृपा कर दी हमारे ऊपर। धीरे धीरे मयूर पंख मुद्रा को कैंसिल करेंगे, अपने हाथों को देखें, ऐसे टच करें, स्पर्श करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज, माता रानी, आप सब पे बहुत कृपा करें, आपकी दीपावली बहुत अच्छी जाए, खुश रहें, आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों, आपका रूहानियत का सफर, स्पिरिचुअल जर्नी भी अच्छी रहे, भौतिक जर्नी भी अच्छी रहे, खुश रहें। आपके भीतर बैठी माता रानी को प्रणाम करता हूँ। जय माता रानी।